सर क्या नाम आपका? प्रमोद। आप अमन के पापा हैं। हाँ जी। अमन के साथ क्या घटना घटी स्कूल में? स्कूल में ये सुबह 8 बजे गया था, उसके बाद इसको क्लास में पता नहीं उठा के कैसे मारे, मेरे होता है अभी। बच्चा क्या कह रहा है आपसे? बच्चा कह रहा है कि पापा मेरे को बहुत बुरी तरह हमारे, मेरा फोन भी नहीं करवा रहे। किसी से मारा बच्चे को? डंडे से। और किसने मारा? डायरेक्टर सर ने। क्या नाम यादव? कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 7वीं क्लास में है इसका, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाया, मेडिकल वगैरह करवा दिया? हाँ सब कुछ करवा दिया इसका, पूरी रात से परेशान है, सोया भी नहीं जा रहे इससे। घर जाने के बाद भी मेरे पास 8 बजे के आसपास फ़ोन आया कि बोले जी बच्चे के आपने ये कर दिया वो कर दिया। मैं बोला भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, और मैंने डांटा है उसको, और फिर भी कोई चीज़ हो गई है तो मैं आ जाना बैठ के कोई बात करेंगे, बाकी ऐसी कोई मेरी इंटेंशन तो है नहीं किसी बच्चे को करना। हमें बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ठीक है कि कानून नहीं है बच्चे को डांटना ये करना, फिर भी हमें आउट ऑफ जा कर के बच्चे के भविष्य के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ करना ही होगा। और फिर भी अगर पेरेंट्स ने किसी प्रकार का अगर उनको हर्ट हुआ है या और कोई चीज़ है तो मैं कहता हूँ कि आप आ जाइए, ये बच्चे आपके हैं मेरे भी हैं, और इनको हम अच्छी शिक्षा भी देंगे पढ़ाएंगे भी, और किसी प्रकार की अगर छोटी मोटी कोई अब बात हो भी गई है, मिसकंसेप्शन हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस संबंध में थाना सदर रिवाड़ी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुकदमे की गहनता से जांच की जा रही है, जो भी दोषियां होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर क्या नाम आपका? प्रमोद। आप अमन के पापा हैं? हाँ जी। अमन के साथ क्या घटना घटी स्कूल में? स्कूल में ये सुबह 8 बजे गया था, उसके बाद इसको क्लास में पता नहीं उठा के कैसे मारे, मेरे होता है अभी। बच्चा क्या कह रहा है आपसे? बच्चा कह रहा है कि पापा मेरे को बहुत बुरी तरह हमारे, मेरा फोन भी नहीं करवा रहे। किसी से मारा बच्चे को? डंडे से। और किसने मारा? डायरेक्टर सर ने। क्या नाम यादव? कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 7वीं क्लास में है इसका, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाया, मेडिकल वगैरह करवा दिया? हाँ सब कुछ करवा दिया इसका, पूरी रात से परेशान है, सोया भी नहीं जा रहे इससे। घर जाने के बाद भी मेरे पास 8 बजे के आसपास फ़ोन आया कि बोले जी बच्चे के आपने ये कर दिया वो कर दिया। मैं बोला भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, और मैंने डांटा है उसको, और फिर भी कोई चीज़ हो गई है तो मैं आ जाना बैठ के कोई बात करेंगे, बाकी ऐसी कोई मेरी इंटेंशन तो है नहीं किसी बच्चे को करना। हमें बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ठीक है कि कानून नहीं है बच्चे को डांटना ये करना, फिर भी हमें आउट ऑफ जा कर के बच्चे के भविष्य के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ करना ही होगा। और फिर भी अगर पेरेंट्स ने किसी प्रकार का अगर उनको हर्ट हुआ है या और कोई चीज़ है तो मैं कहता हूँ कि आप आ जाइए, ये बच्चे आपके हैं मेरे भी हैं, और इनको हम अच्छी शिक्षा भी देंगे पढ़ाएंगे भी, और किसी प्रकार की अगर छोटी मोटी कोई अब बात हो भी गई है, मिसकंसेप्शन हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस संबंध में थाना सदर रिवाड़ी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुकदमे की गहनता से जांच की जा रही है, जो भी दोषियां होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा।